नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका योर बिग गाइड चैनल में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, तो एक्सेल में हम टेक्स्ट अलाइनमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, कोई भी एक नाम जैसे, तो ये जो नाम है मैंने टाइप कर दिया, लेकिन ये नाम यहाँ पर दो कॉलम्स के अंदर आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक ही कॉलम्स के अंदर आए, तो उसके लिए आपको पहले से ही सेटिंग को चेंज करना होगा। मैं आपको यहाँ पे नीचे चेंज करके सेटिंग दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कॉलम का मैं सेटिंग चेंज करता हूँ। आपको जाना होगा फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाके आपको जाना है फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो इस तरीके से जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें अलाइनमेंट में जाना है। अलाइनमेंट में जाके आपको सिंपली से रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके करना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर सेम चीज़ अगर आप टाइप करेंगे तो ये देखिए, ये ऑटो रैप हो चुका है। और दूसरा तरीका होता है, अगर आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से ये सेल को फॉर्मेट करके देखते हैं, आप इसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए ठीक है, क्या करेंगे, अगर मैं इस सेल में कंटिन्यूसली टाइप करता रहता हूँ कुछ भी, ठीक है, ये देखिए ऑटो मर्ज हो जाता है सेल। तो इस तरीके से भी, क्योंकि बहुत सारा टाइम में हमको मर्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने ये टाइप किया है, वो ऑटो मर्ज करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एक्सेल, यहाँ पे ये ऑटो मर्ज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट सेल ऑटो मर्ज लगाया हुआ था। अभी एक और आप कर सकते हैं, श्रिंक टू फिट। ठीक है, अगर आप कुछ भी इस टेक्स्ट में टाइप करेंगे, वो चाहे कितना ही भी बड़ा टेक्स्ट हो, वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होके और उसमें फिट हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, एक ये ट्रिक है। और एक और ट्रिक है, आप हॉरिजॉन्टल जनरल की जगह आप लेफ्ट इंडेंट सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे जितना भी स्पेस आप चाहते हैं, मान लो दो दो शब्दों का स्पेस आप यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ से इस साइड में आ चुका है, राइट साइड में लेफ्ट से। लेकिन मैं ये ऑटो इंडेंट आपको दूसरा कॉलम में करके दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम अगेन फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, यहाँ पे जनरल की जगह लेफ्ट इंडेंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो या तीन जो भी आपको स्पेस चाहिए डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अभी मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँगा वो सेंटर के बाद से टाइप होना शुरू होगा। ये देखिए आगे से टाइप नहीं हो रहा है। अगर अभी मैं इस सेल को फिर से दोबारा से फॉर्मेट करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको ज़ीरो कर देता हूँ और लेफ़्ट की जगह इसको जनरल करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल टाइपिंग कर सकते हैं लेफ्ट से। एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे फॉर्मेट सेल में, मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट को निकाल देता हूँ। मर्ज आपको मैं बता चुका हूँ, ये राइट का इंडेंट का राइट साइड में आपको कितना स्पेस छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँगा वो लेफ्ट में टाइप होता रहेगा और राइट साइड में स्पेस आपके बच जाएगा, इस तरीके से। तो कभी कभी आप ऐसा डेटा देखेंगे तो वो सब फॉर्मेट सेल्स की वजह से होता है। ये जो अलाइनमेंट है ये आपको सिर्फ फॉर्मेट सेल में जाके मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रैप टेक्स्ट देख लेते हैं। रैप टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी डेटा में, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना है और कंटिन्यूसली आप चाहते हैं कि उसका सेल का विड्थ चेंज ऑटोमेटिक होता रहे, तो आपको सिंपली रैप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ओके करना है। और यहाँ पर आप जो भी टाइप करेंगे नेक्स्ट कॉलम में, कितना ही भी वो रैप टेक्स्ट होता रहना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये रैप टेक्स्ट हो गया है। मर्ज एंड सेंटर आपको बार बार करना पड़ता है, उसके लिए आप सिंपली एक ही कॉलम को आप मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स में जाके मर्ज सेल पे क्लिक कीजिए, अभी आप जो भी यहाँ पे कुछ टाइप करना है आपको ऑटोमेटिकली मर्ज होता रहेगा। अभी ये लेफ्ट में जा रहा था क्योंकि इस सेल में ऑटोमेटिकली राइट इंडेंट लगा हुआ है, तो हम इसको जनरल करेंगे, मर्ज सेल करेंगे। अभी हम इसमें दे दिए, ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है, वो मर्ज भी हो चुका है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।